हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आरबीसी क्लास 10 एंड 12 एग्जाम को लेकर दोस्तों एक नई अपडेट आई, वो आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरबीसी क्लास 10 एग्जाम रद्द क्यों नहीं हो रहे हैं, अभी तक रद्द क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इसके बारे में दोस्तों सरकार ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी है। सरकार ने कहा है कि आरबीसी यदि क्लास 10 के एग्ज़ाम हम लेते हैं तो भी हमारे पास ऑप्शन है, और यदि रद्द करते हैं तो भी हमारे पास ऑप्शन है। तो दोस्तों, सरकार ने ऐसा क्यों कहा? सरकार ने कल बोला कि जो आरबीसी क्लास 10 है उसके हमारे पास दो विकल्प हैं, यानी अब सीबीएसई ने एग्ज़ाम रद्द कर दिया तो हम भी यदि कोरोना संक्रमण बना तो अब ऐसे ही बना रहा तो रद्द कर देंगे, और यदि कम हुआ तो परीक्षा हम लेंगे, यानी परीक्षा लेनी हमारी प्राथमिकता, परीक्षा रद्द करना हमारी प्राथमिकता नहीं है। तो इसी कारण से हम एग्ज़ाम अभी तक रद्द नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, इस पर फैसला कब तक होगा इसके बारे में डेट जल्दी फिक्स कर दी जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर बात कर लें सीबीएसई क्लास 12 की, तो सीबीएसई क्लास 12 का फैसला 1 जून को आ जाएगा। अब दोस्तों, आरबीसी क्लास 12 के एग्ज़ाम भी ऐसे ही लग रहा है कि 3 विषयों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और बाकी विषयों के एग्ज़ाम आपको नंबर जो इन विषयों के आधार पर दिए जाएंगे। अब दोस्तों, सीबीएसई की तरह यदि आरबीसी करता है तो फिर वो ऐसे ही करेगा, और दोस्तों यदि सीबीएसई से कुछ अलग करता है तो वो सभी विषय के यहाँ पर एग्ज़ाम है वो लेने वाला है। लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मूला फॉर्मेट यहाँ पर तैयार नहीं किया गया है आरबीसी की तरफ से, ओनली सीबीसी ने कहा ये चीज़। और दोस्तों, सीबीसी की तरह यदि आरबीसी करता है तो ये फॉर्मेट हमारे भी रहने वाला है आरबीसी क्लास 12 में भी। अब दोस्तों, आरबीसी क्लास 10 एग्ज़ाम रद्द होंगे या फिर नहीं होंगे इसके बारे में तो आगे की स्थिति के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दोस्तों इस वक्त यही माना जा रहा है कि एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, यानी एग्ज़ाम करवाना ही इनकी प्राथमिकता, और वो एग्ज़ाम करवा के रहेंगे। यदि कोरोना संक्रमण कम हुआ तो एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, और यदि नहीं हुआ कम फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए अलग से ऑप्शन दिए जा सकेंगे। यदि ऐसे ही चलता रहा लॉकडाउन तो आपके एग्ज़ाम होंगे रद्द, और लॉकडाउन हट गया तो फिर एग्ज़ाम होना इनकी पहली प्राथमिकता और एग्ज़ाम लेकर ही रहेंगे। सो गाइस, अगले वीडियो मिलता है इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना।